हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स गाइस। तो फिर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली के मॉल रोड पे। तो यहाँ हम आए हैं अपने बाइक को रेंट करने के लिए एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर की तरफ थोड़े और जहाँ पे स्नो हमें दिखाई दे। तो चलिए पहले अभी मॉल रोड का थोड़ा नज़ारा देखते हैं। दोस्तों ये है मनाली का मॉल रोड और यहाँ पे होटल याक के आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा वन विहार। और इसी वन विहार से आपको लेना है उसकी सामने वाली गली में राइट टर्न। में देख रहे हैं आप एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो कि अभी बंद है। देन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से अगेन लेफ्ट, सामने होटल जमुना से आपको राइट लेना है। और भैया सामने हुए तो दिस इज दी आर्यन बाइकर्स जहाँ से भी हमने अपनी बुलेट को रेंट किया है। और ये है हमारे फैजल भैया। हाय फैजल भैया, मॉर्निंग। हाय, ये है अपनी बाइक जो हमने रेंट की है और ये है सारी बाइक्स। रूपाली भी इधर खड़ी है और ये है भैया का एक गैरेज जहाँ आप हिमालयन देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड्स के सारे वेरिएंट्स हैं भैया के पास, क्लासिक, स्टैंडर्ड, 350, 500, सारी बाइकें हैं भैया के पास। आपको बस आना है और बाइक्स आर इन वेरी गुड कंडीशंस, सेफ टू ड्राइव और साथ साथ प्राइस भी भैया के काफ़ी रीजनेबल रहते हैं। ये तो रॉयल एनफील्ड्स का एक स्टॉक है और बाकी ये बाइक थी जो हमने कल रेंट की थी। कल मेरे पास ये वाली बाइक थी तो आज हम इसको देख के जा रहे हैं क्योंकि कुछ मुझे उसमें ट्विनिंग करानी थी और भैया के पास और ये सारी बाइक्स और है। तो ये सब है बाइक्स भैया के पास, स्कूटी, हर टाइप की बाइक, अपाची, ये सब सारी बाइक्स हैं भैया के पास, आप देख सकते हैं। और यही गैरेज है जहाँ ये लोग आपको बाइक साफ सुथरी करके वॉश करके देते हैं तो आपको वॉशिंग की भी कोई झंझट नहीं है, साफ सुथरी आपको बाइक, क्लीन बाइक्स मिलेंगी। हाय मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हमने दिखाया भैया के यहाँ पहुँचने का तरीका। आर्यन बाइक के नाम से इनका शोरूम है और ये अभी हम इनके वेयर हाउस में खड़े हैं। तो भैया हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमेशा जब मेरा मनाली का ट्रिप होता है तो भैया ही होते हैं जिनको फ़ोन करके मैं परेशान करता हूँ, भैया बाइक चाहिए मुझे। तो भैया से आज जानते हैं कि उनके पास कौन कौन सी बाइक्स होती हैं और क्या क्या ये सर्विस और आपको की बेनिफिट्स देते हैं और कहाँ डिमांड में। तो हिमालयन क्लासिक 350 500 cc और जिनका प्राइस सीजनली अप एंड डाउन होता रहता है। हमारे यहाँ जो बाइकें रहती है वो सारी अपना लेह लद्दाख लोकल टूर आप यहां से कहीं भी लेकर जा सकते हैं और ड्रॉपिंग चार्जेस रहता है उसमें। अगर आप ड्रॉप करते हैं अलग से और वापस लेकर आते हैं तो उसमें हमारा लंबा टूर होता है 10 दिन का 15 दिन का, तो उसमें आपको टूल किट से लेकर कैरियर तक आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। भैया आप ये बता देंगे कि आप कितने साल से बाइक के ये बिजनेस कर रहे हैं और क्या क्या आपके पास कैसे कैसे कस्टमर आते हैं और कहाँ कहाँ से कस्टमर आते हैं। हमारे कस्टमर इंडिया से तो आते ही आता है टोटल, और बाहर से फॉरनर वगैरह इजराइल वगैरह से भी हमारे यहाँ पर पहुँचता है। हमारे पास अगर हमें एज अ मुझे एक बंदे को बाइक लेनी है तो आपको कैसे हम कांटेक्ट करें या क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं वो आप डॉक्यूमेंट में हमारे यहाँ पर एक आईडी अवेलेबल कराना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। और ओनली अगर लोकल आप घूम रहे हैं लोकल ट्रिप के लिए तो आपको 1000 डिपॉजिट करना है ओनली और प्लस रेंट आपको देना है जो अपना सीजन में हिसाब से रहता है रेंट।
और बाइक की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आप कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप अभी सर ने हमसे पूछा कि हमारे सेफ्टी के लिए क्या होता है बाइकों में, तो सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो हम क्लाइंट को बताना चाहेंगे कि हमारे सभी बाइकों में रेड गार्ड प्रोवाइड होते हैं। दूसरा जो मेन होता है, हम क्लाइंट को जो ब्रेक लेदर होता है हमारे बाइकों में डिस्क पे रहते हैं, वो कभी भी आधे नहीं मिलेंगे, वो हमेशा अच्छी ही कंडीशन में हम क्लाइंट को देते हैं। यानी कि आधा हो गया है तो उसका चूड़ी चढ़ा के या उसको एडजस्ट करके हम क्लाइंट को देते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं करते हैं बिल्कुल। और सर्विस हमारी पूरी हमेशा बाइक की मेंटेन होगी, हाफ सेल बाइक स्टार्ट होगा, क्लाइंट पहले अपना चेक करेगा, उसके बाद ही क्लाइंट यहाँ से बाइक लेकर जाता है। और हेलमेट अपना हम हर क्लाइंट को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो दो क्लाइंट हम बाइक के साथ प्रोवाइड कराते हैं। और साथ साथ भैया पैनकर्स भी ये प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपके पास लगेज और लंबा टूर करना चाहते हैं तो पैनकर्स भी होते हैं। हम यहाँ पर हिल स्टेशन में और जो लोकल अपना एरिया होता है उसमें चलाने का पूरा डिफरेंट, यहाँ पर अलग ही रहता है बाइक चलाने का, तो हम क्लाइंट को यहाँ पर बाइक देने से पहले समझाते हैं। और दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 5 किलोमीटर तक हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है क्लाइंट की, आप जहाँ भी खड़े होंगे 5 किलोमीटर में हम यहाँ से बाइक चेंज करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं होगा उसके लिए। तो मेहता भैया मुझे आपसे ये पूछते हैं कि चलो या तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक स्टैंडर्ड्स हिमालयन लगी हुई है, कुछ हम टीवीएस की स्कूटी भी दे सकते हैं, बट किसी बंदे को इसके अलावा कुछ और बाइक चाहिए, अपाची है, एवेंजर है, तो उसके बारे में आपके पास क्या क्या होगा? हाँ, उसके बाद हमारे पास एवेंजर भी है और आपके पास डोमिनर है, पल्सर है, और ये आपको अपाची मिलेगी और इन पल्सर भी अवेलेबल हो जाएगा। और अगर हम लग्जरी स्टैंडर्ड बाइक्स की बात करें, जैसे हार्ले वार्ले, वो उसका क्या रहता है या एज पर डिमांड क्या होता है? वो एज पर डिमांड कम से कम आपको बुकिंग करानी पड़ेगी 15 डेज पहले, तभी हुआ पाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, जो हाई एंड लग्जरी गाड़ी होती है, बाइक्स होती है, वो एडवांस बुकिंग पे चलती है, तो आपको पहले से एक प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है, भैया आपके पास सिक्योरिटी और अमाउंट जो भी होता है बुकिंग अमाउंट वो देना पड़ता है, एंड देन यू कैन गेट दैट थिंग। सो दोस्तों भैया का भी एक यूट्यूब चैनल है, भैया आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। जो मेरा चैनल है वो आर्यन बाइकर्स मनाली के नाम से है, और हमने उसमें अभी तक 25 से 30 वीडियो डाल चुके हैं, तो आप उसमें लिंक करके और हमारा नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो भैया का चैनल का लिंक और नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और भैया के पास यहाँ सारी हाई एंड मॉडल्स ही रहती हैं, सारे ऊंचे ही मॉडल रहते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड में भी सारे जो टॉप स्टैंडर्ड मॉडल होते हैं, जिसमें स्पेशली जो सबसे खास बात है माउंटेन्स में वो होता है कि आगे पीछे डिस्क ब्रेक, दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और भैया आप हमें और कुछ दिखा सकते हैं? हाँ, सारी अभी हमने जैसे कि अभी 4 डेज पहले एक अपने नया स्कूटी टीवीएस सेंटर लिया है, अभी जैसे कि एक बाइक हमारे 4500 है, 1445 है, और बाकी 1697 है, 1824 है, और जो बाइक अभी कुछ हमारे रेंट पर जा चुके हैं, नई बाइक है 2020 के मॉडल है, और हमने अभी अपना 10 बाइक अभी और बुकिंग कराया है, जो अभी अप्रैल में हमें प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू फॉर हमारे को इतनी अच्छी बाइक देने के लिए, जो सेफली और वेल मेंटेन कंडीशन में है, और साथ साथ हमारे व्यूवर्स को ये बताने के लिए कि आप कैसे यहाँ के बाइक रेंट कर सकते हैं। भैया का नंबर और चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, एंड आई होप आपको ये व्लॉग देख के काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि अगर आप मनाली जा रहे हैं तो वहाँ पे बाइक रेंट कैसे कर सकेंगे, क्या क्या कॉस्ट होगा उसका, और साथ ही क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वहाँ से मनाली में बाइक रेंट करने से। तो अब हम आपको ले चलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अटल टनल, और दिखाएंगे वहाँ पे आपको लाहौल स्पीति वाले के बहुत ही सुंदर नज़ारे, और पास करेंगे हम अटल टनल को भी। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर सीरीज, बाय बाय, बी सेफ।